गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा बच्चा अभी उठ गया है। स्कूल जाना है बच्चू? जाना है स्कूल आज? कितने बजे? 10:30। 10:30 में जाना है और हम परसम काटने जा रहे हैं और नाश्ता करना, भैया को भी देना, बुट्टा को भी देना और उसके बाद अपना रेडी होना, उसके बाद स्कूल जाना। ठीक। राजनंदनी आ रही है या अकेले जा रही है आज भी कल की जैसे? और पूछना कॉल करके। और पैसे ड्रेस के लिए कल सबमिट कर दिए? ठीक है। बुड्ढा भी बैठ गया। बुड्ढा ने अब स्वेटर वटर पहनना छोड़ दिया, अब हो गया ओढ़ने लग गया गर्मी, इसलिए बुड्ढा कल से बुड्ढा ने स्वेटर वटर नहीं पहन दिया कल परसों से। और गुड मॉर्निंग बोलो बुड्ढा सबको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो भाई। गुड मॉर्निंग। हमारी 8 बजे हो रही है गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी, मुझे टाइम नहीं लगा, तो मैं अब चले। हम ये सब दिहाड़ी में जा रहे हैं, हमारे गांव के राना लोग रोज़ जाते हैं दिहाड़ी में। अभी 8 बजे हैं, अभी जा रहे हैं लोग, शाम को ये 5 बजे आएंगे। कहीं पे गेहूँ बढ़िया घर पे हो गए हैं, कहीं पे आ रही हैं ये, और हमारे घर के पास तो बिल्कुल हो गए हैं और यहाँ तो पूरे आ रहे हैं ये। पहुंच गए हम खेत में, काटी जाए बरसीम। मम्मी ने भी छोड़ दिया गर्म सूट पहननी, अब मम्मी भी आ गई है गर्मी वाले सूटों में। कल तो हमने घर के पास से काटी, आज यहीं आ गए हैं। और घर में भी उतनी बड़ी हुई है और यहाँ भी बरसीम इतनी बड़ी हुई है हमारी, काटने दी हुई ये। इतनी चौड़ी नाली है देखो, ये पार करनी पड़ती है हमको। और ये खड़े हैं, अगर मैं गिराऊंगी तो उठाने के लिए मैंने इनको रोका है। ये पिछले साल से पिछले साल आना माता के मेले से लाया था ये गाड़ी, और आज इसको पता नहीं कहाँ से भू सवार हुआ इस गाड़ी को निकालने का, वो स्लिप में रखी थी और अब खेल रहा है ये अपनी फौजी गाड़ी में। बोल ए गाड़ी टूटेगी मोटे। आयुष पूछ लेगा, देखो आयुष आयुष रुक जा रुक जा, नजदीक से भी दिखाना नहीं फौजी गाड़ी, थोड़ा पीछे कर। और इसमें धूल भी लगी है, साफ करना ना। चलो कहाँ के भी तिरंगा ना लिया है मेरे गंजे खोपड़ी ने, ना लिया मेरे गंजे खोपड़ों ने। मंतू भी, अब मंतू की दोस्त आने वाली है, फिर मेरी मंतू भी चली जाएगी। कुछ खाएगी? रोटी तो खा ली ना एक बार, नहीं खाई है? को बोला झूठ। इसका कब से है? इसका 3 तारीख से है स्कूल, ये घर में ही है सावण मेरा। और मेरा मंतू जाता है रोज, मंतू का भी नहीं होता अगर मंतू ने डांस सीखने नहीं जाती तो नहीं होता इसका भी। अब जाना है तो किसके यहाँ खाया? मुर्गा के अलावा कुछ आता है? तो इसको पेट दिखाओ गाई, इसका पेट देखो, डॉक्टर ने क्या बोला था इसको, रोज़ दौड़ लगा। मैं रोज़ बोलती हूँ सुबह, आई दौड़ लगा। तो नहीं लगाता, हम भी बोलते। क्या बोलते पर्सनली मैम? बहुत मोटा हो रहा है, दौड़ लगानी है। अरे बहुत तो नहीं हुआ है मेरा बेटा, ठीक ही है, लेकिन अभी भी थोड़ा करेगा तो। ये कहती इससे चल नहीं पाता है, मैं इसको 2 थप्पड़ मारूंगी। इसके आमा ने चला रखा है इसको मुँह, हम को होंगी 2 रोटी 2-4 दे देगी खाने के लिए। बुबू ने हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगा, चौड़ा चौड़ा होगा, लंबाई नहीं बढ़ेगी। खिलाते रहते फिर जब खा के थक जाता हूँ, ये कहते हैं इतनी रोटी खा दी। अभी कल परसों वेट नापा, क्या हुआ, बढ़ा है घटा है? 47 1 किलो बढ़ गया। सबका घटता है, इसका बढ़ रहा है। और माई का 43 कितना था पहले? 42 तेरे भी 43 हो गया, 1 किलो बढ़ गया। 41 था, 43 हो गया। ये अपनी दोस्त का वेट कर रही कब से, दोस्त भी पता नहीं क्या ही है इसकी। मान आती है फोन में बिजी, चलो ओए ओ अमानाती अमानाती बात खाने चलो।
चलो भात खाते हैं, 11 बज गया। आयुष फोन बंद कर, चलो भात खाते हैं, भात खाते हैं, चल चल किचन में खाएंगे, चल चलो चलो सब लोग। फिर भात खाके बढ़ता तंदुरुगे पता, बार बज जाएगा, फिर दिन में थोड़ा देर सोएंगे। चलो थोड़े कंडे भी टाँजने हो, जिन ऐसे ही फेंक रखे हैं गोट में, 4-5 कट्टे हैं वो टाँजने हैं। चलो हमारा भूख लग गया, रोड खाचे ना, खाया हमारी खाया माइल दे, माइल दे, मैं कह जा रही हूँ माइल दे दिए कर, बल्कि दे ना दे अप आओ आदा पति देव। ए आयुष क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा हो, क्या कर रहा है ये, क्यों काजू निकाला तुमने, तुमने निकाला होगा इसको, सब चीज मांगता है ये और ये सब निकाल के ये देते हैं। अरे होली के दिन पहनता तो, होली के दिन पहनता तेरा चेहरा नहीं बच जाता, कहाँ निकाला नहीं छुड़ा लेते हो, ये कहाँ निकाला है बता पहले, ऊपर किसने निकाला मैंने, तू पहुँच ही नहीं सकता ऊपर, किसने निकाला बता सच सच, आयुष मेरे पास पावर है, पापा ने निकाला हुआ ना, नहीं तो मैं उनको डांटूंगी ना, कभी ये कह रहा नहीं तो मेरा मुझे मोरू मोरू मुझ भी नहीं आ रही आगे रे आयुष की, तो हमारा दरवाजा यहाँ से था, हमने अभी करके यहाँ से मतलब ये थोड़ा सा दरवाज़ा खुल रखा है छोटा सा, हमने यहाँ से जाने के लिए इस कमरे में, वरना हम पहले मैं बदन पर बताती हूँ पहले हम कितना घूम के जाते थे, खाते हम लोग यहीं थे खाना, लेकिन हमारा रास्ता ये था इस वाले दरवाजे से, फिर हम जाते थे इस दरवाजे में, जितने बार हम खाना देने के लिए आजकल उस दरवाजे जाते, हमें पहाड़ से ऐसे वहाँ जाना पड़ता था, वहाँ से अंदर जाना पड़ता, तो फिर एक दिन मैंने बोला माई के आपा लोगों, माई के आपा से मैंने ऐसा बोला कि बरसात में कितना भीग जाते हैं, इधर से खोलते, फिर हमने इधर से दरवाजा खोला, अब हमारा कितना अच्छा और काम, तभी आजकल जल्दी इधर से चले भी जाते हैं, खाना भी देते, टीवी भी देख लेते, आटा भी ब्रांड में गोद लेती हूँ मैं, अब बहुत अच्छा हो जाता है, जब टीवी देखने का मन हो तो मैं टीवी देख लेती हूँ आराम से, इसके मजे हैं आज के, इसकी छुट्टी है ना, मजे हैं अभी आने वाला है ना रिजल्ट, जब नंबर आएंगे ना अच्छा है तो प्यार मिलेगा, और नंबर कम आए तो घूसा, ठीक है, क्या पड़ेगा आयुष घूसा, हो गया है किचन का सारा काम, मम्मी आगे चले गए थे गोट में, मैं हमने जो अभी 3-4 दिन पहले हम कंडे लाए थे, मम्मी आज कंडे टाजना टाज ले लेना, मैं किचन में झाड़ू पोछा बर्तन धुले, मम्मी आ गए थे इधर को, मैंने सोचा बाहर ही बैठे होंगे, मम्मी बोली मैंने तो टाँच भी दिए, वरना अभी करके 3-4 दिन पहले जब हम 4-5 कट्टे लाए थे वो यहाँ फेंके थे, तो मम्मी ने सारे ऐसे करके लगा के, हम लोग स्लीपों में नहीं रखते, हम ऐसे खट्टे मतलब एक किनारे में सारा रख देते हैं ऐसे कंडे, अब यहाँ पे से हमें दवा पकाने के लिए हम यहाँ पे से निकालेंगे, धुआं लगाएंगे भैंसों के, यहाँ पे से निकालेंगे, स्लीप में नहीं रखते हम, स्लीप में हमने ऐसे ही सामान वामान रख रखा है, तो यहाँ रख रखे, मम्मी ने तो कर लिया है काम, मैंने सोचा था फटाफट करती हूँ किचन का काम, उसके बाद यहाँ मम्मी के मम्मी और मैं दोनों जने करेंगे, मम्मी ने मेरे वो काम करने थे, मम्मी ने ये काम कर रखा है, चलो ये काम हो गया, भैंसों को एक बार तो सुबह दे दिया पानी आने, एक बार आजकल अब गर्मी हो गई है तो मैं दोबारा दे देती हूँ इनको पानी, गिल छल में कहा जा रहा था, मतलब फैलाया कर भाई, आप ही फैलाया ना, कब हो दिहाड़ी तो खत्म हो, 4-5 दिन अच्छी, और आयुष ला गया आमा के लिए पानी, चल सो जाए फिर आयुष में, आयुष क्या खा रहा है, सोन पापड़े, अब सोया जाए, मम्मी लोग भी सो जाएंगे, अब मैं भी सो जाती हूँ, रोज उठेंगे हम 3:30 में, 4 भी बज जाता है कभी 3:30 में,
अम्मा आ रखी है बिटोला लेके। कल मम्मी का बिटोला आया था और अभी अम्मा का बिटोला आ गया। चलो देखते हैं आज अम्मा बिटोले में क्या क्या लाई है। खोल। एक तरफ यहाँ पे अंगूर और केले हैं और यहाँ पे मिठाई। 3:30 अम्मी भी उठ गई, बुड्ढा भी उठ के आ रही है। बुड्ढा मैं साथ साथ ही उठे, मम्मी सो गई है अभी। एक गधा तो पता नहीं क्या ही कर रहा है, दिन भर ये न सोया बाहर बैठ रहा। अभी सुबह इसकी अलग गाड़ी निकली थी, अभी अलग निकल गई। फिर कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है। अब एक एक करके रोज निकालेगा तो कितनी गाड़ी है तेरी, चला तो सब निकाल रहा है। कभी कभी ये गाड़ी चलाने का बहुत सवाल आता है ना, तो इसकी रोज निकलती है गाड़ी। 5:30 मैंने लगा लिया आंगन का पूरा झाड़ू, बिल्कुल साफ कर दिया। सुबह से आवाज चले थी, बहुत कचरा हुआ था आंगन में, तो मैंने लगा दिया झाड़ू। बुड्ढा को दे दी है मैंने सब्जी काटने के लिए। आज बन रही है हमारी बैंगन और आलू, बुड्ढा काट दे रही है। बैठे रहते तो मैंने कहा बुड्ढा काट दे। और अब जानवरों के यहाँ जानवरों का काम किया जाए। मम्मी मिला रहे हैं कुट्टी, मम्मी भूसा फेंकने पर, कुट्टी तो मैं फेंकने लगती हूँ। और दो रख दिया है, दो का भी उबाल जा रहा है भाई, उबाल जा रहा है भाई। दो अभी बिल्कुल पक गया है बिल्कुल, अब इसमें आग नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि दो हो गया है बिल्कुल पक्के तैयार। आग भी बहुत हुई, आग भी मुझे इसको बुझानी पड़ेगी भाई। कट गई है, अब सब्जी को धोया जाए। चावल का आटा आज बनेंगे सेल, थोड़ा और छानती हूँ। इसमें है चावल का आटा और मैं निकाल लूँ कटोरे से, और थोड़ा तो मुझे गेहूँ का भी, गेहूँ वाला आटा पूरी है। जिसको चावल के पसंद नहीं वो वाली रोटी खा ली। तैयार है, मम्मी बना रही है अभी मसाला, और मैं दोनों आटा छान के ला गई हूँ। और चावल वाला आटा मैं तैयार करती हूँ क्योंकि चावल वाला आटा जितनी जल्दी तैयार करेंगे उतने अच्छे सेल बनते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही आटा तैयार करके फिर ये आटा तैयार करूँगी। और ये जितनी जल्दी हम आधा एक घंटे वाले चावल वाले आटे को बनाएंगे उतने अच्छे सेल बनते हैं भाई। हमारे घर मेरी, मैं डाल रही हूँ आटे में सोडा। इसमें सोडा भी डालना पड़ता है, पहले मिलाना पड़ता है। मम्मी आधे पाके डालना कर रो, और इसमें चीनी भी डाल लिया साथ में। हो गया चा, ये तो बच रही है, आ डालो बस। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी, फिर इसको पानी से आटे को मैं बना के आधे घंटे के लिए रख दूंगी, फिर बहुत अच्छे बनेंगे। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है अभी से आटा बनाने में ही, तब से खाने का मन हो रहा था मेरा। और माई भी बोली रही थी, माई तो हम सेल बनाने के लिए बोले, माई बोली गुलगुले बनाना, गुलगुले भी दिखाऊंगी मैं आपको आज कैसे होते हैं गुलगुले। और सेल तो सबको पता ही हुआ पहाड़ी लोगों को, क्योंकि सबके घर में बनते हैं गुलगुले। जिसको नहीं पता है आज पता चल जाएगा कैसे होते हैं गुलगुले। डल गई है सब्जी और मैं अभी आटा गूंदने लग गई हूँ। अब आटा मैंने कर दिया तैयार, अब इसको मैं आधे घंटे बाद बनाएंगे, फिर ये आटा और अच्छा होगा। और इसमें अगर हम सूजी भी मिलाना चाहिए तो सूजी भी मिला सकते, लेकिन हम लाए नहीं है सूजी, तो हम आज बिना सूजी वाले बना रहे हैं। सूजी भी डलते तो बहुत अच्छे होते हैं, इसका टेस्ट अलग हो जाता है। अब देखो मेरा आटा हो गया बिल्कुल ऐसे तैयार, अभी आधे घंटे बाद दिखाऊंगी यही आटा और अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चा पार्टी भी आ गए हैं ट्यूशन से। ओ बच्चा पार्टी आ गए मेरा छोटा मुन्ना,
आ गए आज से। आ तो मंतु गुलगुले खाएगी, गुलगुले मेरे मंतुली आखिर फिर मैम खेल में। अच्छा तभी हमारी होली खत्म हो गई है, राणा लोगों की होली हमारे गांव में शुरू हो गई है। मम्मी थरवन की ना राणा लोगों की ना दी होली उन्हें ना एक जिंदी है मरी बिछोटा गांव में खेलते हैं जिंदी होली, वहाँ हो गई है हमारे साथ साथी हुई खत्म। और हमारे गांव वाले यहाँ उल्धन गांव वाले में उल्धन गांव में खेलते हैं मरी होली। अब बुड्ढा आ गई है, मंतु से करे टीवी चला दे, बुड्ढा का हो गया टाइम टीवी देखने का। और मम्मी मम्मी डाल लिया है सब्जी, मम्मी हो गया अभी तो उनके पड़ोस वाले घर में आए। अब आ डालो पानी, हो डालो, मुझे आता नहीं है लेकिन मैं आप जैसे एक बार एक दो बार मैंने भी बनाए हैं लेकिन मम्मी जैसे नहीं बनते हैं मुझसे, कोशिश करूँगी जितने भी बना पाऊँगी बनाऊँगी वहाँ की मम्मी बनाएगी। रिफंड इसको हम सरसों के तेल में नहीं बना रहे, इसको हम रिफंड बना रहे हैं, रिफंड वाले सेल और अच्छे होते हैं इसमें बिछा, रिफंड वाले तेल में और अच्छे होते हैं सेल। मम्मी कह रही मैं बनाती हूँ, तू रोटी बना, और मम्मी कह रही मैं सेल बनाती हूँ। चलो ठीक है फिर दोनों काम साथ में हो जाएंगे, फटाफट जल्दी हो जाएगा। मम्मी करने लगे स्टार सेल और मैं बनाती हूँ रोटी। इधर तेल आई, इधर से मैं भागू। गया पहला तेल, आटा हो गया मुझसे थोड़ा पतला, मम्मी बोल रही है। सब्जी में पानी डाला है, बिल्कुल तेल में पकाया है, इसको हल्की आंच में खाली पका रहे हैं। माई बोल रही जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, उनको खाने की पड़ गई है पहले, अभी पहले मंदिर के लगेंगे फिर खाओगे। आटा हो गया पतला, गुलगुले हम गुल्ले बन भी सकते हैं, क्या पता तब तक लास्ट तक आटा वो हो जाए थोड़ा। आज एसी चला के सोएंगे, अभी चला एसी ठंडे में लगेगा जुकाम, ठंडा गर्म है, क्यों बोल दिन में हो रहा गर्म, रात को भी तुम एसी चलाओगे तो उससे होगा क्या होगा ठंडा गरम मारूंगी जुकाम लग रहा है। अब पढ़ाई करो थोड़ी देर, चलो दोनों दिन अब मार खाओगे फटाफट पढ़ाई। हाँ आज ट्यूशन एक ही घंटा पढ़ा पे, और डेढ़ घंटा पढ़ एक घंटे घंटा पढ़ते हो आज वो आ कौन आ अच्छा उनके मैं होली खेलने आए होंगे तो होली देख के क्यों नहीं आए थे, कुछ नहीं खिलाए थे ना, कुछ नहीं बोला ऐसा हाँ हाँ तो उनके घर में मेहमान आएंगे तो हाँ। अब ये पक गया है, ऐसे होते हैं सेल जिसको नहीं पता है। अच्छा बन तो गया, अच्छा थोड़ा मेरे से आटा गीला हो गया ना, दूसरा भी निकाल दिया है, इसको रख दूंगी मैं अब मंदिर के लिए अलग से, फिर बच्चे लोग किसी टाइम भी खा लेंगे ना खा के, तो इसलिए मैं अलग से पहले मंदिर के लिए रख दिया है। तो बन ही गए होंगे, अब हमारा तब से बना रही है, चलो देखते हैं। मम्मी मंदिर के लिए रख दिए सेल? हाँ रख दिए। और हम अभी पहले में ले जाऊंगा सेल, क्योंकि मंदिर के लिए तो लगती हैं। मैंने प्लेट निकाल ली है दीदी के लिए, हाँ हाँ नीचे देख ले, हाँ हाँ ला लाऊंगा। तो अभी हमारे नहीं सब्जी नहीं, तो अभी मैं सेल ले जा रहा हूँ दीदी के लिए, टेस्ट करके देखते हैं कैसे हुए हैं। डाल देंगे मिठाई लोगों के घर में देने के लिए, अभी देवर जी आ रहे हैं, मम्मी तो बना रही है और मैं रोटी बना रही हूँ, तो देवर जी देख के आएंगे मेरी मिठाई लोगों के घर में। खा भी रहे हैं और पढ़ाई भी हो रही है इन लोगों की, खा लिया थोड़ा इनका बचा था वो मैं खा रही हूँ। अब मैं लेके जाऊँ, लेके जाऊँ किचन में? हाँ ले जाओ। अभी खाने लग गए, बुड्ढा भी खाने लग गए खाना, अपने लिए मैं भी लेके आती हूँ, मम्मी भी अपने लिए डाल रही है और मैं अपने लिए डालती हूँ। चल है ना मैं रोटला खाम जाए खाली शिलेल, आज मम्मी का व्रत था दिन भर, तो अभी मम्मी को सब्जी नहीं खानी, मम्मी बोली मैं नमक और सेल खाऊँगी। प्लेटें मैं भी लेके जा रही हूँ,
खा रही हूँ। चली जाएगी कृष्णा बहन का फर्ज ऐसे